तो अभी शाम के 7:30 हो रहे हैं। हम आए वेस्ट साइड एक लास्ट मिनट शॉपिंग करने। तो ये शॉपिंग हम इसलिए करने आ रहे हैं क्योंकि हमारी 11:30 बजे बैंगलोर की फ़्लाइट है और हमें यहाँ से 9:30 बजे निकलना है। करण का फर्स्ट नेचुरल बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन है। कौन सा कॉम्पिटिशन है वो? आईसीएम बैंगलोर। और इसके लिए मैं भी इसके साथ जा रहा हूँ इसे सपोर्ट और इसका कॉम्पिटिशन शूट करने के लिए। सो मज़ा आएगा। और मेरे पास कोई कलर वाले शर्ट नहीं थे, सारे ब्लैक टी शर्ट थे, इसलिए हम वेस्ट साइड आए। पसंद तो यार दोनों आ रहे हैं, ये ब्लू वाला भी है, बट मुझे लग रहा है मैं ये ले लूँगा। पैसे होते तो दोनों ले लेता। अब तक हमें हिट नहीं हो रहा था कि हम बैंगलोर जा रहे हैं, बट अभी जब बैग वगैरह लेकर जा रहे हैं तो हिट हो रहा है कि हम बैंगलोर जा रहे हैं। और कंपटीशन करण का है और एक्साइटेड मैं हूँ क्योंकि मैं भी इसके साथ रोज शूट किया है इसके रील्स वगैरह। सो एक जर्नी थी जो हम दोनों इसमें थे। सो मज़ा आएगा। यहाँ पर है हमारी कैब। तो अभी हम एयरपोर्ट पे पहुँच गए हैं। बाय द वे ये मेरी दूसरी फ्लाइट होने वाली है। पहले हम साकेत के साथ गए थे, अब हम करण के साथ जा रहे हैं। मैं दूसरी बार इस एयरपोर्ट पे आ रहा हूँ, फिर भी मुझे नया ये लग रहा है क्योंकि मुझे फ्लाइट से जाने की आदत नहीं है। चेक इन डन। तो चेक इन हो गया ख़त्म, अब हम जा रहे हैं गेट नंबर 9 फॉर बोर्डिंग, यहाँ से ऊपर। फन फैक्ट, जब मेरी लाइफ की पहली फ्लाइट थी तब भी गेट नंबर 9 ही था और दूसरी भी 9 पर ही है। बोर्डिंग डन। तो अभी हम बैंगलोर पहुंच गए हैं। तो ये है बैंगलोर एयरपोर्ट और मैं पहली बार आ रहा हूँ। करण आ गया शायद। यार बैंगलोर का वेदर पुणे से बहुत ज़्यादा ठंडा है और अच्छा हुआ कि मैंने स्वेटशर्ट पहना है और इस भाई ने तो हुडी वगैरह पहना है। तो लेकिन अच्छा लग रहा है, वेदर अच्छा है। और अभी हम यहाँ से बस पकड़ेंगे और यहाँ से और एक लोकेशन पे बस से जाएंगे, फिर वहाँ से ऊबर या ओला कैब करेंगे और फिर वहाँ से सीधा घर। और अभी हम करण के मामा के घर जा रहे हैं। सो नो वरीज। तो ये बस से हम जा रहे हैं। फर्स्ट बैंगलोर बस एक्सपीरियंस। तो अभी हम बस से यहाँ पर पहुँचे हैं। इस जगह का नाम मुझे प्रोनाउंस करने नहीं आ रहा। लकीली करण को यहाँ की लैंग्वेज आती है। सो वेर वी आर? कोडिकेली गेट। और अभी यहाँ से हम कैब लेकर जा रहे हैं करण के मामा के घर। इन बैंगलोर और अभी हम जा रहे हैं ट्रेन करने और फिर ट्रेनिंग के बाद हमें जाना है मीट एंड ग्रीट आईसीएन के वेन्यू पर। सो अभी एक अच्छा सा मैं पैक लगाऊंगा और करण फुल बॉडी लगाने वाला है। सो लेट्स सी। और यहाँ पर एक जिम है जिसका नाम है 91 स्पोर्ट। सो देखते हैं वो चालू है कि नहीं। आज के लिए हमें एक वनडे पास लेना पड़ेगा। सो देखते हैं हमें लेना पड़ता है। ये टोकन्स हमें मिले एज अ वनडे पास और ये 1.5 आवर्स के लिए वैलिड है। वन डे पास के लिए ये जिम बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल है। चेक करो यार। क्विक जिम टूर। यहाँ पर है 1, 2, 3 स्क्वाट रैक्स और यहाँ पे कार्डियो सेक्शन। यहाँ पर है 1 डेडलिफ्ट प्लेटफॉर्म, 2nd एंड 3rd और कुछ बेंचेस। यहाँ पर कुछ डंबल्स, फ्लैट बेंच और यहाँ पर है फ्लाई की मशीन्स, कुछ बेंचेस और लेग्स के लिए। एंड यहाँ पर है एक केबल स्टेशन और इंक्लाइन एंड फ्लैट बेंच प्रेस। इस जिम में ज़्यादा मशीन्स नहीं है बट ये पूरा खाली है और
यहाँ की थीम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, सो फोटोज़ एंड वीडियोज़ अच्छे आने वाले हैं। और करण की बॉडी एकदम अभी श्रेडेड है, सो इसके भी फ़ोटोज़ मस्त आएंगे। तो बहुत सारे जिम्स में एक ही केबल स्टेशन होता है, बट यहाँ पर दो है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। और ओवरऑल जिम की वाइब बहुत मस्त है, वर्थ इट, वन डे पास के लिए वर्थ इट। डन फॉर द डे, कैमरे में फुटेज अच्छा है, वर्कआउट 10/10 था और यहाँ पर कोई म्यूज़िक नहीं था, बट वैसे म्यूज़िक होता फ़र्क नहीं पड़ता। बट यार जिम देखो, ये बंदे की बॉडी देखो, ही इज़ जस्ट 24 आवर्स आउट। अभी इसके बाद हम घर जाएंगे, नहाएंगे, फिर उसके बाद छोटा सा ब्रेकफास्ट करेंगे और करण के मीट एंड ग्रीट के लिए हमें आइस इन बैंगलोर के वेन्यू पर जाना है, सो हम सीधा वहाँ पर मिलते हैं। बाय द वे, इस जिम का एंट्रेंस यहाँ से था और हम कहीं वहाँ से ऐसे चले गए थे, सो दिस इज हाउ द एंट्रेंस लुक्स। ऑन द वे मीट, सो करण का ट्रंक नंबर है 75। कसा वाटता है करण? नर्वस, एक्साइटेड, बस छोटा सा मीट एंड ग्रीट था और ट्रंक नंबर वगैरह लेने थे, सो करण को अपने ट्रंक नंबर, बैक पेज का एक्सेस वगैरह पूरा मिल गया है, सो जो कुछ होगा कल होगा, सो कल हम पूरा शूट करेंगे। आज कैमरा भी नहीं लाया, सो कल हम कैमरा से पूरा शूट करेंगे। टुमारो इज़ द डे, फाइनली इज़ द फाइनल डे, द शो डे। करण कैसे लग रहा है? एक्साइटमेंट हो रही है, अभी तो नर्वसनेस नहीं हो रही है पर अभी एक्साइटमेंट काफ़ी बढ़ गई है। हाँ, कल तो बहुत नर्वस था, ये उसके साथ मैं भी नर्वस हो रहा था, पता नहीं क्यों, क्योंकि हम साथ में वर्कआउट पूरा जो भी 50 डेज का जर्नी था हमने साथ में डॉक्यूमेंट किया, हर एक दिन हमने साथ में वर्कआउट किया, ये ऐसा मेरा कॉम्पिटिशन भी लग रहा है मुझे। करण की कैटेगरी आई है 12:30 बजे स्टार्ट होने वाले, तो अभी हम 10:30 बजे तक पहुँच जाएंगे, सो वहाँ पर हमें पूरा मॉनिटर करना पड़ेगा कि हर 30 मिनट या हर एक घंटे बाद बॉडी कैसे दिख रही है, फ्लैट दिख रही है, डिप्लीटेड दिख रही है या स्प्लिट हो रही है, तो उसके हिसाब से कार्ब्स एडजस्ट करेंगे, सो इट इज़ नॉट ईजी गाइस। अभी हम वेन्यू पर पहुंच गए और कुछ ही घंटे में करण स्टेज पर होगा, वी आर एक्साइटेड एंड नर्वस एज वेल। कल जब हम रजिस्ट्रेशन के लिए आए थे तब 40-50 एथलीट थे, तब हमें लगा था बहुत सारे लोग हैं, आज 400+ एथलीट्स आएंगे और उनके साथ भी कुछ लोग आएंगे, तो डिफरेंट फीलिंग है।
अभी यहाँ पे नेक्स्ट कैटेगरी के लिए टचअप होगा, फिर बैक स्टेज फिर से एक बार शाइनर होगा, फिर इसके बाद है करण की सेकंड कैटेगरी मेंस फिजिक फर्स्ट। In fourth place, number 126, Fidan. Hold on, Fidan. In third place, number 75, Button. Three का सॉर्ट थे। अच्छा। हमारे पास है दो मेडल्स, एक सिल्वर एंड एक ब्रॉन्ज मेडल। ये जो क्लास का लाइनअप था वो बहुत क्रेजी था, मैं आगे से आंखों से देख रहा था, बट वी मेड टू टॉप थ्री। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे एथलीट्स थे और फर्स्ट टाइमर के हिसाब से मैं और कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता था। हमने हमारा 100% दिया, शो पूरा एंजॉय किया और बस मैं यही चाहता था, बट ये मिले दो मेडल वही बहुत है। अगले बार ट्राई करेंगे गोल्ड के लिए और प्रो कार्ड के लिए भी। थ्री मंथ्स मोमेंट ऑफ ट्रूथ। This best when you have earned it. Done with the show, अब हम जा रहे घर और जितना एक्सपेक्ट किया था उससे तो ज़्यादा ही कर दिखाया करण ने। और करण, 3 महीने बाद कौन सी चीट मिल लेगा अब तो? अभी तो मैं सोच रहा हूँ एक लार्ज चीज बस पिज्जा खाऊं। अभी तो बहुत सारी चीजें हैं दिमाग में, एक एक करके धीरे धीरे खाना है, डोनट सब खाना है। आज है हमारा बेंगलोर में डे 3 और अभी सुबह के 5 बज रहे हैं और हम जा रहे हैं एक जगह है जिसका नाम है नंदी हिल्स और वो सुबह सुबह बहुत प्यारी लगती है, तो हम जाएंगे, व्यू अच्छा आएगा। और यहाँ पे अभी मुझे गेट खोलना पड़ेगा। और एक अच्छी चीज़ है कि हम बाइक पे जा रहे हैं, अभी मैं हेलमेट थोड़ी देर में पहनूंगा। मैं दो दिनों से बेंगलोर में सिर्फ कैब में घूम रहा हूँ और मैं बोर हो चुका हूँ, तो बाइक पे अभी मज़ा आएगा। क्या लग रहा है? बहुत मज़ा आने वाला है। यहाँ से अपन वन वे में जाएंगे, फिर एक फ्लाई ओवर चढ़ना फ्यूल है ना? We also have Keshav with us. Almost Nandi Hills पहुंच गए, so नज़ारा देखो। अभी exactly 6:40 हो रहे हैं। ये देखो fog. यहाँ पर इतना ज़्यादा fog है कि ये जो पेड़ों पर पानी है वो देखो पैंट पर वगैरह गिर रहा है और ऐसा लग रहा है कि बारिश हो रही है, बट यहाँ पर कोई भी बारिश नहीं हो रही, इट्स जस्ट अ फॉग। और ये देखो जब गाड़ियाँ आ रही है तो उनके लाइट्स देखो फॉग की वजह से पूरा मिस्ट फिल्टर जैसे लग रहा है। यहाँ से एक छोटा सा ट्रैक करके हम ऊपर पहुँच गए।
पुणे एयरपोर्ट की थी, बोगस है। एयरपोर्ट देखो गाइज, ये है इस एयरपोर्ट का टर्मिनल 2। क्रेजी, बैंगलोर वॉज गुड बॉयज। थोड़े ही दिन रहे हम बट मज़ा आया। अपने मैंने दो दो मेडल लाए हैं। अभी इसके बाद बल्क चालू, मेरा भी बल्क चालू है, साथ में करेंगे क्रेजी पीआरस करेंगे। और बैंगलोर अच्छा था, बैंगलोर का एयरपोर्ट भी अच्छा है। सो अभी हमारा फ्लाइट यहाँ से 11:30 पर है। सो देखते हैं, अभी मेरा ये फोर्थ फ्लाइट है लाइफ का, सेकेंड सिटी फोर्थ फ्लाइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अभी ट्रेनिंग व्लॉग में मिलेंगे।